रियाज ने कहा है कि मुशर्रफ और शहबाज में सिर्फ वर्दी का फर्क है, उनका तर्ज जिंदगी मुगल शहनशाहों वाला है। बिल्कुल ठीक कहा राजा साहब ने। मैंने सुना अकबर बादशाह भी अपने दरबार में बैठ के ऐसे ही करता था, तखलिया हम हुक्म देते हैं कि अनारकली को मुअत्तल करके दीवार में चुनवा दिया जाए और शहजादा सलीम को ओएसडी कर दिया जाए। हाथियों पे काठियां डालो, हमने दानिश स्कूल का इफ्तिताह करने जाना है। हम हुक्म देते हैं कि आज शाही दस्तरखान पर हिरन पकाया जाए और साथ सस्ती रोटी खाई जाए। अनारकली बाखुदा हम हिरन के दुश्मन नहीं, आटे के गुलाम हैं। ये तो हो गई जी मुगल बादशाह की शुगलिया दास्तान। मगर राजा साहब आप मुझे ये बताएं, आप क्यों उस मुगल बादशाह के 3 साल बीरबल बने रहे हैं? ये जब आपको दरबार से निकाला गया तो आपको याद आया कि ओहो मैं तो बादशाह का दरबारी था। अयूर को तगड़ा सा बयान दे, ये तो आप तलाक का साल निकाल रहे हैं। तलाक का साल? हाँ हाँ, बड़ा साल होता है तलाक का। तलाक से पहले खामत को औरत कह रही होती है, मैं तो आने पैर तो धोके पियांगी। तलाक के बाद वही औरत कह रही होती है, जा जाके मुंह धो के आ, उतरे मैं तेरे जोगी रह गई हूं। अच्छा जी, अगली खबर है, बेनजीर भुट्टो मुझे वजीर आजम बनाना चाहती थी शाह महमूद कुरैशी। लव बेनजीर साहब तो मुझे भी वजीर आजम बनाना चाहती थी। तुम्हें? हाँ, जाओ पूछ लो जाके मोहतरमा से। चल मैं कैसे पूछ लू भाई, यही तो बात है, इसलिए तो जो मर्जी को कह सकता है। जो जो जन्नती हो जाता है ना उसके मुतलक फिर बड़े बड़े दावे आते हैं। कई बंदों ने कहा था कि जियाउल हक हमें वजीर रखना चाहता था, हमने कहा नहीं हमने नहीं अमर का वजीर होना। यार ये मेरा क्लास फेलो बशीर आंडा मुझे एक दिन कहता है कि बीबी शहीद ने मेरे फुफड़ को कहा था कि तुम फिक्र ना करो तुम्हें वजीर दाखला लगाना है। मैंने अच्छा, मैंने कहा फिर लगा क्यों नहीं? कहते वो बीबी ने कहा कि तुम्हारे पास खटे रंग की टाइयां हैं। मेरे फुफड़ ने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं फिर तुम्हें नहीं लगाना। ये देख लो रमान मलक लग गया, उसके पास खटे रंग की टाइयां। जी उस दिन से मेरा बशीर आंडे से दिल खटा हो गया। कराची में पिकअप वैन के आगे 2 गधे बांधकर चलाने का अनोखा एहतजाज, अवाम ने एहतजाज पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर किया। ये तो तुमने अवाम का एहतजाज सुनाया, इसके बाद जो गधों ने एहतजाज किया वो नहीं तुमने पढ़ा? हंस रही हो? साइलेंट हुए। बाद में खोतों ने जुलूस निकाला है। हाँ, बल्कि लोगों ने कहा यार खलोता जुलूस तो देखा था, खोता जुलूस पहले नहीं देखा। खोतों ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा भाई कीमतें ओगरा बढ़ाता है, हमें किस लिए बांध रहे हो आगे? उसको बांधोगे या तो उसका नाम खोतरा रख लो। चलो फिर तो हम पे कुछ जिम्मेदारी पड़ती है कि भाई जी खोतरा है इसलिए हमें बांधा हुआ। वो तो सियाने बंदों ने आके समझा गया खोते दे पुत्र बनो। बात समझो, जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता तो आपको आगे बांधते हैं, जब हुकूमत में पेट्रोल नहीं होता तो अमेरिका को आगे बांधते हैं। आप चूंकि अमेरिका की हुकूमती जमात का निशान है इसलिए आपको आगे बांधा। ये क्या बात है अजीज साहब? नहीं वाकई जो ओबामा की रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका इलेक्शन सिंबल डंकी है, गधा है। माय गॉड, यस ओबामा का इंतखाबी निशान है गधा। अच्छा हाँ, और वो इसलिए उसने चूज किया है कि ओबामा और गधा दोनों कान बदल पर आ है। एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक आला तालीम हासिल करने से हाई ब्लड प्रेशर में कमी होती है। ओ मेरे अमाल का लो, मैं भी कहूं यार मुझे क्या होता जाता है, ये तो मुझे तलीम लेते बैठी है। हाय हाय हाय, वो देखो क्या तहकीक हुई है, ये जो मेरे गोडे किटियों में दर्दी होती है ये तो डिग्रियां फंसी हुई है। हाय 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 हाय, ये मैं समझता हूँ कानों में से सेक निकलता है, ये तो संदे निकल रही है। अच्छा बाद में तो खैर मैंने बहुत डिग्रियां हासिल कर ली है, बचपन में ही यार बचपन में ही मेरे सिर में इतना इतना बड़ा डिप्लोमा निकला होता, सारा सिर मेरा डिप्लोमों से भरा होता। एक दफा तो मुझे सारे पिंडे पे सनद पड़ गई थी, मैं सनद को खारिश कर करके कर करके खारिश थक गया। ओए होए होए होए, एजुकेशन ही लेने बैठी है मुझे,
ये देख लो जाली डिग्रियों वाले कैसे भजे दौड़े फिरते, डिग्री ही जाली है तो उनको क्या तकलीफ होनी। ये तो अब साइंस ने बताया कि मेरे जैसे पढ़े लिखे बंदे बेचारे बीमार होते। खबर जरा दोबारा गौर से सुनो, खबर ये है कि आला तालीम से हाई ब्लड प्रेशर में कमी वाक्य होती है। नहीं, मेरा भी ब्लड प्रेशर लो शो रहता है। अक्सर मुझे डॉक्टर कहते हैं कि नमक चाटा करो। अच्छा। मैं तो इतना नमक चाटता हूँ इतना भैंस नहीं चाटती। आला तालीम की वजह से खबर क्लियर किया करो। अच्छा जी, अगली खबर है, चीनी फौज कबूतरों से कम्युनिकेशन का काम लेगी, 10,000 कबूतर भर्ती कर लिए। यार ये दुनिया पे क्या क्या अजूबे हो रहे हैं यार, भागे बड़े बड़े अजूबे हो रहे हैं यार। जुगत ना किया करो, बाद में टीवी वाले मुझे चाटते हैं कि तुम हमारे दानिशवर को अपने साथ रला लेते। मैंने उनको 36 दफा समझाया कि यार जुगत को बुरी चीज नहीं है, बड़ी अच्छी चीज है। वो कहते हैं अच्छी चीज है मगर करने वाला मरासी होता है। तो मैं जुगत की पड़ी हुई है, उधर देखो चाइना वालों ने कबूतर भर्ती कर लिए फौज में। हद हो गई है यार, अब उधर बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते हैं कबूतर, मेरा वड्डा लक्का मेजर हो गया। मैंने तो अपने छोटे कबूतरों को भी फौज में कराना। बड़ा कबूतर मेरा 3 साल हो गए रिटायर हो गया हुआ, उसकी पेंशन आ रही है 11 हो रहा है, 2.5 किलो बाजरा पेंशन आती है। ये चाइना ने फौज में कबूतर भर्ती कर लिया, अमरीका ने बिल्लियां भर्ती कर लेनी। टीवी पे खबर आ रही जी चाइना की एक ब्रिगेड फौज को अमरीका की बिल्ली खा गई। टीवी पे दिखा रहे हो जी हड्डियां वो पड़ी हुई है, वर्दियां वो पड़ी हुई। फिर खबर आ रही जी चाइना में जनरल चाओ पाओ कबूतर ने मार्शल्ला लगा दी। उन्होंने तो अपना तराना भी सुना बदल लिया। चौ पौ पौ चौ पौ चौ कौ चामा चिंको पाचा वास्ता ही रब दा तु जावी वे कबूतरा पीचू का चामा चंका चा पा चंका चा 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 पीको चा चा किठी मेरे डोल नू पुचाई वे कबूतरा वे कबूतरा चाइना के फौजी बेचारे नीचे खड़े होकर ऊपर से लूट मार रहे हो, मेजर साहब लंग गए थे। यार कैप्टन साहब ने क्या किया। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। हद हो गई है, सारा अपनी फौज पे फायर कर रहे हैं।